पिछले कुछ सालों से देवभूमि उत्तराखंड में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इसमें प्रॉपर्टी विवाद, लूट, हत्या, सूदखोरी यानी ब्याज पर पैसा देना जैसी मुख्य घटनाएं शामिल हैं। कई बार अप्रिय घटनाओं के होने के बावजूद भी ऐसे इंसिडेंट पर लगाम लगाना और अंतर्राज्यीय बदमाशों को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती से कम नहीं है। राजधानी देहरादून में सूदखोरी के चक्कर में प्रॉपर्टी का काम करने वाले युवक रवि बड़ौला उर्फ दीपक की 16 जून को हत्या कर दी गई। रवि का कसूर महज इतना ही था कि वह अपनी पुरानी गाड़ी बेचने एक कार डीलर के पास पहुंचता है। डीलर ने उस गाड़ी को बेचने के बजाय अपने परिचित को देकर रवि बड़ौला के साथ बड़ा स्कैम कर डाला। रवि ने डीलर को कार बेचने को दी, पर डीलर ने वह कार सूदखोर यानी ब्याज में पैसे देने वाले को दे दी। दूसरे की गाय का गोदान कर उस कार को गिरवी रखा और उस पर 3.5 लाख रुपए ले ली। जब रवि को यह बात पता चलती है तो वह अपनी गिरवी रखी कार को अपने दो दोस्तों के साथ वापस लेने गए। तभी बदमाशों ने तीनों पर कई राउंड फायरिंग कर दी। इस घटना में रवि की तो मौत हो गई, लेकिन उनके दो साथी सुभाष छेत्री और मनोज नेगी आईसीयू में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। लिया जाए पूरा मामला रविवार 16 जून 2024 की देर रात राजधानी देहरादून के रायपुर डोभाल चौक का है। रात के करीब 10:30 बजे देहरादून शहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पेशेवर बदमाशों ने जेल से पैरोल पर छूटने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। गोली लगने के बाद रवि दर्द से करहारते हुए भागा और कुछ दूर जाकर नाले में जा गिरा। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक डोभाल चौक के पास एक गढ़वाली कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में रहकर देवेंद्र कुमार उर्फ सोनू भारद्वाज ब्याज का काम करता है। वह लोगों की चल और अचल संपत्तियों को गिरवी रख ऊंचे ब्याज पर खूब पैसे बांटता है। देहरादून के नेहरू ग्राम के रहने वाले मृतक रवि बड़ौला ने 15 जून को अपनी कार पुरानी कारों के सेल परचेज कारोबारी सागर यादव को बेचने के लिए दी, लेकिन अगले दिन रविवार को रवि बड़ौला को पता चलता है कि सागर ने तो बेचने के बजाय उसकी कार सूदखोर सोनू भारद्वाज के पास 3.5 लाख रुपए में गिरवी रख दी। रवि बड़ौला ने कार डीलर सागर यादव से अपनी कार मांगी तो उसने गालियां देकर रवि बड़ौला को भगा दिया। इस पर बड़ौला ने सोनू भारद्वाज से कार वापस मांगी, वहां भी बड़ौला के साथ वही सलूक हुआ। इसके बाद रवि बड़ौला रविवार रात करीब 10:30 बजे दो दोस्तों सुभाष छेत्री और मनोज नेगी को लेकर सोनू भारद्वाज के घर पहुंच गए। सूदखोर सोनू भारद्वाज के घर पहुंचने से पहले ही उसका भाई मोनू भारद्वाज, पेशेवर बदमाश रामवीर, मनीष, अंकुश और योगेश आदि शराब पी रहे थे। यह सभी मुजफ्फरनगर, मेरठ और पटना के निवासी हैं। जैसे ही रवि बड़ौला और उसके साथी गेट पर पहुंचे, इन सभी ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला ली। एक गोली रवि उर्फ दीपक बड़ौला के गले में और दूसरी पेट में लगी। बाकी अन्य दोनों को भी पेट पर गोलियां लगी हैं। घायल हालत में रवि बड़ौला वहां से भाग गया, जबकि सुभाष छेत्री और मनोज नेगी सोनू भारद्वाज के गेट पर ही गिर गए। छेत्री के परिजन उन्हें कैलाश अस्पताल ले गए और पुलिस ने मनोज नेगी को दून अस्पताल में भर्ती करा दिया। बाद में दोनों को इंद्रेश अस्पताल में एडमिट कराया गया था। रवि की रात भर पुलिस और परिजनों ने तलाश की। 7 घंटे बाद सोमवार सुबह 6 बजे रवि बड़ौला का शव घटना वाली जगह से कुछ दूर नाले से बरामद हुआ। देखिए कैसे एक कार बेचना रवि के लिए मौत बनकर आ गई। रवि की मौत से मंगलवार को देहरादून में प्रदर्शन हुए और रवि को न्याय दिलाने के लिए आवाजें उठी। मृतक रवि बड़ौला की पत्नी उर्वी बड़ौला ने केस को फास्ट ट्रैक में सुनवाई करने और सरकार से नौकरी देने की मांग की है। राजधानी में हुए इस जघन्य गोलीकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तेवर सख्त हैं। सीएम ने कहा, देवभूमि में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। बदमाश बड़ा हो या फिर छोटा, किसी को भी देवभूमि का माहौल खराब करने की छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उनकी अवैध प्रॉपर्टी कारोबार की जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। कानून अपना काम कर रहा है। सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे बदमाशों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि देवभूमि छोड़ दें, अन्यथा सरकार को कड़ी कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, आखिर सूदखोरों को संरक्षण कौन देता है? जेल से पैरोल पर छूटे बदमाश जैसे ही बाहर आए तो रवि और उसके साथियों पर गोलियों की बौछार कर दी। आखिर ये कैसे संभव है? सभी 7 अभियुक्तों सहित 2 लोगों को मुठभेड़ से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस को ऐसे लोगों के सफाई की अब ठोस कार्य योजना बनाए जाने की सख्त आवश्यकता है, ताकि फिर कोई इन ब्याज माफियाओं के चुंगल में फंसकर अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। इस हत्याकांड के बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट्स कर जरूर बताएं और हमारे चैनल पर
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, इससे आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहेगी।